आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंदौर प्रशासनिक संकुल में निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की, तो वहीं इस बैठक में चुनाव की पूरी प्रक्रिया और प्लानिंग की बातें भी शेयर की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर मंगलवार को इंदौर प्रशासनिक संकुल में इंदौर जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जाटव के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान इंदौर निर्वाचन से जुड़े जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं निर्वाचन को शांतिपूर्ण कारित करवाने की दिशा में पूरी प्रक्रिया और प्लानिंग पर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में जिले में 20 नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, साथ ही इन नोडल ऑफिसर्स को क्या क्या कार्य करना है और किस समय सीमा में करना है, इस पर भी मंथन किया गया। निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमने 20 नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, और उन नोडल ऑफिसर्स के माध्यम से क्या क्या कार्यवाही किस समय सीमा में की जानी है, इसकी चर्चा की है, इसकी समीक्षा की है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन के जो इश्यूज़ होते हैं तो वो कई बार मीटिंग हॉल में रिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए हमने एक नई व्यवस्था की है कि ट्रैफिक के सुधार के लिए जितने संबंधित एजेंसी हैं, विभाग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, यातायात है, ये चारों और हमारे राजस्व अधिकारी, पुलिस के सीनियर अधिकारी, हम चारों पांचों विभाग प्लस सीनियर अधिकारी मौके पे ही जाके समस्या को समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट एफर्ट से जो भी समस्या का निराकरण कर सकें वो हो जाए। कुल मिलाकर बैठक के दौरान अति संवेदनशील और सामान्य बूथों की समीक्षा के साथ साथ अब तक किए गए चुनावी तैयारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। तो वहीं मतदान कर्मी एवं सुरक्षा कर्मियों के ठहरने के लिए समुचित जगह उपलब्ध कराने पर मंथन किया गया। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों के साथ अब जिला का प्रशासनिक अमला भी मिशन 2019 की तैयारियों के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।